एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन एंड वेलकम बैक टू विद मिस्टर लॉजिक। सो गाइस, कल है 1 फेब एंड बजट का डे है। किस तरीके से मार्केट में काम करना है, कितनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रह सकती है और इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी पुट कॉल रेशियो क्या दिखा रहा है, मार्केट में किस तरीके से अप्रोच लेकर चलनी है। बिकॉज अगर हम बात करें कि इम्प्लॉयड वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो मार्केट के अंदर रिस्क ज़्यादा है, वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, आइदर साइड ऊपर या नीचे बड़ी मूवमेंट्स हम लोग देखने को मिल सकती है। कैसे अप्रोच करना है सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हो, कैसे सेटअप मेंटेन कर सकते हो, सारी बातें करते हैं। तो आते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे एंड देखते हैं सबसे पहले कि कौन से स्टॉक्स पे बाय करते हैं एंड उसके बाद एक रैदर बड़ी डिस्कशन करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सो गाइज, हम लोग अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है SBI लाइफ। तो मैंने 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है और इसे हम ऐसा इंट्राडे या फिर BTST भी लेकर चल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छी रैली आ रही थी एंड आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव एक छोटा सा हम लोगों ने रिट्रेसमेंट देखा। अब अगर रिट्रेसमेंट को कनेक्ट करें अपने फिबोनाची के थ्रू, सो वी कैन ये सी कि एग्जैक्टली 50% पे आके कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेट करने के बाद इसने एक बेस क्रिएट करा। एज यू कैन सी, जो एक रिट्रेसमेंट आया है, एक सिंपल फॉल आया, एक ड्रॉप आया, आफ्टर अ ड्रॉप एक बेस क्रिएट हुआ। अगर फाइनली इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, इस बेस के ऊपर निकलता है, तो हम कह सकते हैं ड्रॉप बेस और रैली के थ्रू ये पैटर्न सक्सेसफुल हो सकता है। बिकॉज मार्केट ये पर्टिकुलर स्टॉक एक हायर राइज एंड हायर लोज बना रहा है, अपना बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, तो वी कैन येस डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि एक ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी मूवमेंट या फिर अपने प्रीवियस स्विंग हाई तक ईजिली जा सकता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करा गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर दिख रहा होगा एंड बाय यूजिंग दैट हमें पता चला कि ये जो रेड कलर की लाइन आप देख पा रहे होंगे, विजिबल होगी आपको, एग्जैक्टली इसी लेवल पे, इसी रेंज पे एक हैवी प्रेशर है जहां से नीचे नहीं जाना चाहिए और अगर जाएगा तो एक फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसी लेवल से थोड़ा सा नीचे अपने एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं एंड 1:2.67 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके स्टॉक को बाय कर सकते हैं आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट लेवल एट 1238 रुपीज। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा सेकेंड स्टॉक है अजमेरा रियालिटीज। अजमेरा रियालिटी पे अगर आप देखोगे तो आप ये ग्रे कलर का जोन देख रहे हो। एग्जैक्टली 2017 के लास्ट पे ये एक स्विंग हाई और एक लाइफ टाइम हाई था। फाइनली इसने रिसेंटली अगस्त पे ही इसका ब्रेकआउट दिया, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड ब्रेकआउट ये दोबारा नीचे आया और इसने रिट्रेसमेंट लिया। अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया रैली के साथ अपने बॉटम के साथ ब्रेक करते हुए ऊपर गया था, तो डेफिनेटली बात है कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, इट हैज टू टेक अ पॉज। तो अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली एक्जैक्टली 50% का इसने पॉज लिया एंड आफ्टर डाटा एक बहुत बढ़िया रैली का दोबारा ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली पे अगर आप यहाँ चेक करेंगे, एक पेन फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसके अंदर बना हुआ था, आफ्टर अ वेरी गुड फ्लैग एंड पोल पैटर्न इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इट गेव अ रीटेस्ट और अगेन एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली। सिमिलरली रिसेंटली अभी एक और फ्लैग पैटर्न बना है, एक अच्छी खासी इंपल्स मूव, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन और अब एक ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ आपको ये पता चलेगी स्टॉक के अंदर कि ये जो लेवल है, एग्जैक्टली ये लेवल रेड कलर की लाइन, इसके ऊपर अभी तक स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी नहीं है। सो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन पे इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रैली और ऊपर की तरफ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये इसके ऊपर जाता भी है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। सो करंट प्राइसेस 436 रुपीज का, अगर ये कल इसके ऊपर निकलता है डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय और ये शायद 5% का अपर सर्किट भी लगा सकता है, तो यू कैन वॉच दिस स्टॉक एज वेल। अब बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट स्टॉक की। सो गाइस, हमारा लास्ट स्टॉक है AU बैंक। AU बैंक पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मेजर रेजिस्टेंस है इस लेवल पे जो कि 1356 रुपीज पे चल रहा है एंड अभी जो प्राइस चल रहा है AU बैंक का वो 1310 रुपीज चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज ऊपर एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है जो फेस कर सकता है। अगर आप देखेंगे एक जोन और आपको यहाँ पर विजिबल होगा, इस जोन पे क्या हो रहा था, यहाँ पर पहले मल्टीपल सपोर्ट्स लिए गए थे, आफ्टर जब वो ब्रेक डाउन हुआ मल्टीपल रिजेक्शंस एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस भी उस पर फेस करे। अगर आप देखेंगे रिसेंटली एक बहुत अच्छी बाइंग आई स्टॉक के अंदर, कंटिन्यूस बेसिस पे बाइंग आई, उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करा, फाइनली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ वेरी गुड रीटेस्ट और अगेन जाके ऊपर की तरफ गया है। अगर यहाँ पर हम एक अच्छा परफेक्ट बाय एंट्री सेटअप ढूंढने की कोशिश करें तो देर आर 2 सेटअप जिसके बेसिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है और जो उसके ऊपर वाली कैंडल है, हम इसका एग्जैक्टली दोनों का 50% ले लेते हैं। ये जो जोन है, ये जो जोन आप यहाँ चेक कर रहे हैं, इस जोन पे हम अपनी एक बाइंग सेटअप जनरेट कर सकते हैं। हमारे अगेन एक रिवर्सल दिखता है जो कि इस कैंडल ने ऑटोमेटिकली दिखा दिया है। यहाँ तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन होगा ये कि जो एक फॉल आया है
इस फॉल पे जो एक बियरिश कैंडल बनी है इसका मिड 50% की अगर ऊपर जाएगा और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो हम एक बाय सेटअप बना सकते हैं। सो मेरी बात दोबारा समझेगा, अगर अभी प्राइस चल रहा है 1310 रुपीज का तो हम लोग बाय कर सकते हैं स्टॉक को 1317 के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज होती है। और हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हमारे टारगेट्स होंगे 1350-1360 रुपीज के, ठीक है। तो 3 स्टॉक्स की बात कर लिए जो हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं और 1-2 दिन के लिए भी वैलिड रह सकता है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, ओपन इंटरेस्ट के एंड एवरीथिंग की। तो चलते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के सेटअप में। सो गाइस हम लोगों ने निफ्टी का सेटअप ओपन कर लिया है। अब कल है बजट तो मार्केट डेफिनेटली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाली है। जैसे जैसे बजट के अंदर अनाउंसमेंट आती रहेंगी अगर कोई बैड आती रहेगी तो मार्केट और ज्यादा वॉलेटिलिटी के चक्कर में नीचे जा सकती है, एंड आफ्टर दैट अगर कोई पॉजिटिव आती है तो ऊपर जा सकती है। तो अभी तो मार्केट आप यही मान के चलना कि ज्यादा वॉलेटाइल होने वाली है। तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, अगर हम ऑप्शंस पे ट्रेड लेते हैं तो क्या सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं या बाइंग करके ऑप्शन करके पैसा कमा सकते हैं, तो वो सारी बातें करेंगे इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छी मोमेंटम आई थी, बहुत अच्छी अपमूव निफ्टी ने दिया था, एंड आफ्टर दैट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमने एक्सपेक्ट करा। अगर हम रिट्रेसमेंट को देखेंगे तो ये रहा अपना लो एंड ये हमारा टॉप था। एग्जैक्टली इसने क्या करा, 61% जो कि गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो लेवल है उसके नीचे गया, बट क्लोजिंग उसके नीचे नहीं करी, विच इज अ वेरी गुड साइन, एंड उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करी है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है वो लेवल है ऑलमोस्ट 17,410 रुपीज का। 17,410 रुपीज पे मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और आई पर्सनली थिंक कि शायद इस लेवल पे ये कंसोलिडेट कर सकता है या फिर इस लेवल से नीचे भी जा सकता है। बट अगर इस लेवल के ऊपर क्रॉस कर गया तो डेफिनेटली एक अच्छी मोमेंटम के साथ बाइंग भी देखने को मिल सकती है। सो अगर हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इस रिट्रेसमेंट पे तो हमें क्या लगता है कि कहां तक अप मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फिबोनाची मिनिमम 50% जो लेवल दिखा रहा है दैट इज 17,580 रुपीज का, जो कि ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे 200-250 पॉइंट ऊपर बार बार निफ्टी जा रही है, तो आई थिंक ये इजिली आराम से आ सकता है। और क्योंकि कल बजट है तो कोई वॉलेटिलिटी की तो चिंता हमें है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर एक कॉशियस जो है वो हम फेस कर सकते हैं, तो मैं एक बार 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। एंड ऑन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे कि किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, आप देखना कि एक फॉल आया आफ्टर अ वेरी गुड फॉल, इसने क्या करा इस लेवल पे, ये देख रहे इस लेवल पे कंसोलिडेट करते रहे, आफ्टर दैट एक अच्छा फॉल हमें दोबारा देखने को मिला। सिमिलर सिचुएशन शायद हम लोग यहाँ पर भी फील करके चल सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके की एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा एंड आफ्टर दैट हम एक दोबारा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वॉट वी कैन डू, या हम निफ्टी को अप्रोच या निफ्टी को ट्रेड करे बिना, क्योंकि कल बजट है, आप बजट के अंदर आईटी पे कोई न्यूज आ गई, फार्मा में कोई न्यूज आ गई, एग्रीकल्चर में कोई न्यूज आ गई, तो निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं और बहुत सारे सेक्टर के स्टॉक्स हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बनी रह सकती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर रादर देन बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में एक ही न्यूज आ सकती है, या तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए पॉजिटिव या तो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नेगेटिव आ सकती है, तो उसके बेसिस पे हम अपनी अप्रोच बैंक निफ्टी में सिमिलर लेकर चल सकते हैं रादर देन निफ्टी के अंदर। तो आई थिंक ये सबसे ज्यादा चीज होगी स्मार्ट प्ले करने के लिए। तो मेरे हिसाब से लेट्स ट्राई नॉट टू फोकस मोर ऑन निफ्टी और ट्राई टू फोकस एवरीथिंग ऑन बैंक निफ्टी। तो मैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट डाटा एंड एवरीथिंग आपको दिखाऊंगा, बट आई थिंक चार्ट्स पे हमें अभी कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक बार मैं आपके सामने क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सो बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आप एक ऊपर ग्रे कलर का आप एक सप्लाई जोन देख रहे हो, यहाँ पर एक डबल टॉप क्रिएट हुआ था एंड आफ्टर दैट एक अच्छी फॉल हमें देखने को मिली थी। सो डेफिनेटली एक मेजर रेजिस्टेंस तो फेस कर सकता है। आफ्टर दैट जब एक कंटिन्यूअस फॉल हमें देखने को मिली, स्टॉक इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने करा क्या, एक अच्छी अपमूव दी, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाके क्लोज करा, नीचे आया अपने प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज करा, विच इज अ बुलिश साइन फॉर हायर हाइज एंड हायर लोज, और एग्जैक्टली 50% और 61% के अंदर आके ही इसने ब्रेकआउट दिया और एक नेक्स्ट इम्पल्स मूव इसने बनाई है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ और उसके बाद एक रैली हमें देखने को मिली। सिमिलरली आफ्टर गिविंग अ सेकेंड इम्पल्स मूव ये दोबारा नीचे आया, एग्जैक्टली 50% और 61% पे एक बाइंग रेंज पाया, क्रिएटेड अ डबल बॉटम और अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। सो यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि हम थर्ड इम्पल्स मूव या थर्ड वेव को भी कैप्चर इजिली कर सकते हैं, एंड आई पर्सनली थिंक कि अगर यहाँ से एक अच्छी मूव आती है तो थर्ड वेव का जो टारगेट हो सकता है वो 38,800 ही हो सकता है, जो कि ये प्रीवियस लेवल है, और वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट भी हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अब बात आती है एक्चुअल में बाय करना कहाँ है।
सो बाय करने के लिए आप अगर आप देखेंगे तो एक क्रूशियल लेवल जो अभी तक मेरे को देखने को मिला दैट शुड बी एट दिस लेवल, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, इसने पॉज लिया और एग्जैक्टली यहाँ से नीचे आया। अगेन यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इसने रीटेस्ट करके इसी लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करा। सो व्हाट वी कैन डू, जैसे ही लेवल ब्रेक होता है इस लेवल के ऊपर हम अपना एक बाय बना सकते हैं, दिस शुड बी आर टारगेट एंड अपना स्टॉप लॉस हम इसी लो के नीचे, इस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज आप देख रहे हैं मल्टीपल रिजेक्शंस एग्जैक्टली इसी लेवल से ये फेस कर रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर एक बाइंग अप्रोच मिलती है तो हम इसी के ऊपर बाय करेंगे। अदरवाइज अगर हमें शॉर्ट करना है तो फॉर शॉर्ट पोजिशन हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू, हम शॉर्ट करेंगे इस जोन के, ये बाइंग रेंज देख रहे हैं, इस बाइंग रेंज के नीचे शॉर्ट करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा दैट शुड बी दिस एंड आवर स्टॉप लॉस शुड बी दिस, क्योंकि इस रेंज पे मल्टीपल रिजेक्शंस फेस हो रहा है। सो अगर इसके नीचे जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस एज एन एक्ट कर सकता है। सो हमारा टारगेट होगा अपना प्रीवियस बाइंग रेंज और हमारा स्टॉप लॉस होगा अपना प्रीवियस वोइंग हाई का, जहां पर मल्टीपल रिजेक्शंस लेके उसने ब्रेक डाउन दिया। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब ये रेंज, इस बाइंग रेंज का ब्रेक डाउन होगा, अदरवाइज हम लोग बाय तभी करेंगे जब इस अपर रेंज का एक ब्रेकआउट होगा, क्योंकि आइदर साइड एक इंपल्स मूव और एक बड़ी मूव आनी जरूर है। और आई कैन थिंक ऑफ जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर लग रहा है, एक ऊपर की साइड में ही हम लोग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग चेक करें बैंकिंग स्टॉक्स को कि वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेजर बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत ब्रेकआउट दिया होना वीकली टाइम फ्रेम, कैनरा बैंक ने दिया है, इंडियन बैंक ने दिया है, SBI ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो आई थिंक इन सारे स्टॉक्स पर अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी भी एक ऊपर जा सकता है। और अगर आप अभी रिसेंट न्यूज देख रहे होंगे तो जितने भी बैंक्स के क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं वो एक्चुअल में इंप्रूवमेंट के साथ अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि शायद फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कुछ और अच्छी न्यूज आ सकती है ऑन बजट और बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या करना है, सिस्टम कैसे मेंटेन करना है। अगर ब्रेकआउट हायर लेवल पे देता है, शुड वी बाय अ कॉल ऑप्शन और शुड वी सेल अ पुट ऑप्शन, क्या अप्रोच लेकर चलनी है, ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या दिखा रहा है, तो लेट्स गेट ऑन विद दैट। सो ओपन इंटरेस्ट पे हम लोग क्लियरली आ चुके हैं। अगर हम लोग पहले बात करें निफ्टी की, तो हेवी पुट राइटिंग हमें 17,300 पे देखने को मिल रही है और एग्जैक्टली उसी लेवल पे वो क्लोज करा है, 30-40 रुपए ऊपर नीचे क्लोज करा है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा बेस 3rd of Feb के लिए बना हुआ है, बट शायद ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा ज्यादा सक्सेसफुल ना हो पाए, बिकॉज कल एक वॉलिटिलिटी दी है, कल एक बजट है, तो उसकी वजह से एक्सपायरी उससे 2 दिन दूर है। तो आई थिंक यहाँ पर एक हलचल या फिर एक बड़ा चेंज हमें ओपनिंग पे ही देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुला तो ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा पूरा चेंज हो सकता है। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो अभी के लिए जो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है दैट इज 17,300 रुपीज का, इसके बाद पीछे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है और वो सीधा से बात है 17,000 रुपीज पे, क्योंकि यहाँ पर कॉल राइटर्स भी एग्जिट कर चुके हैं, पुट राइटर्स भी एग्जिट कर चुके हैं और इन बिटवीन कहीं पर पुट राइटर्स नई पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है। अदर देन दैट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। अब बात करते हैं आगे रेजिस्टेंस, तो कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वो 17,400 रुपीज पे है। अभी जो निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,340 रुपीज का, तो मान के चल सकते हैं कि अगर ये 400 के पास भी जाता है तो भी हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। वाई, क्योंकि यहाँ पर जो कॉल राइटर्स अभी एक्टिव है नए फ्रेश पोजीशंस और बनेगी एंड जो प्रीवियस 17,800 पे जो कॉल राइटर्स एक्टिव है वो भी और आगे की तरफ फ्रेश नई पोजीशन शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो आई थिंक यस वी कैन इग्नोर निफ्टी एज वेल। अब बैंक निफ्टी की बात करें, सो बैंक निफ्टी के अंदर 38,000 के अंदर हेवी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों एक्टिव है, बट अगर हम लोग कंपेयर करें तो पुट राइटर्स ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स। तो अगर अभी हम बात करें तो 38,000 के एग्जैक्टली 25 रुपए नीचे जाके क्लोज करा है। सो यस वी नीड अ वेरी गुड गैप अप, कल 100 रुपए का भी गैप अप आता है, 150 रुपए का भी गैप अप आता है और वो शुरुआत के बस 15 मिनट से 20 मिनट तक भी सस्टेन करता है, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड बाइंग मोमेंटम। बट अगर वो इसी लेवल पे ओपन होता है या थोड़ा सा नीचे होता है तो आप ये जितने कॉल राइटर्स देख रहे हैं ये आगे की तरफ भी एक्टिव होंगे, जो अब भी एग्जैक्टली एट द मनी 38,000 पे कॉल राइटर्स हैं या और फ्रेश पोजीशंस एक्टिव होंगी और उसकी वजह से हम एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू अ टारगेट ऑफ 37,500 रुपीज का, जो हम एक्चुअल में मान के चल रहे हैं कि वहां तक हम लोग अपने एग्जामिन करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की। तो ऑन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अगर आप चेक करोगे तो आप ये बॉक्स आपको दिख रहा है जिसपे डेट ATM IV दिख रहा है, अगर आप ATM IV को फॉलो करो
25 जनवरी को एटीएम का आईवी था 19th, और अभी अगर हम लोग रिसेंट की बात करें 31 जनवरी को, तो आईवी हो गया 67 रुपीज। अब सबसे बड़ी बात ये क्या है, अगर जब आईवी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो एक रिस्क मार्केट के अंदर एक वॉलिटिलिटी और रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आईवी बहुत ज्यादा बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि एक बियरिश सेंटीमेंट दिख रहा होता है, बट अगर आईवी के साथ पुटकॉल रेशियो भी बढ़ना स्टार्ट होता है, सो दैट मींस कि एक बियरिश सेगमेंट सेंटीमेंट आ चुका है मार्केट के अंदर और एक फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम लोग पुटकॉल रेशियो की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 0.60-0.70 के आसपास है, तो वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है और आई थिंक वो स्टेबल है। बट आईवी अगर इतना बढ़ गया तो हम क्या डिसीजन ले, बाय करें या सेल करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो हम कॉल बाय करें या पुट सेल करें? सो गाइस, अगर आईवी बढ़ी हुई है तो आईवी बढ़ने का सिंपल सा मतलब आप ये मान के चलो एक बड़ी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आइदर इट कैन बी ऑन एन अपसाइड और ऑन अ डाउन साइड। सो अगर हम लोग बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो आई थिंक शॉर्ट करने में कोई फायदा नहीं है, कोई भी कॉल और पुट को शॉर्ट करने में कोई फायदा हमें मिलेगा नहीं। आई थिंक वी कैन लॉन्ग कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन, और उसके बेसिस पे हम अपनी प्लानिंग बना के चल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यू नो कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगी, अगर ऊपर जा रही है तो कोई बैड न्यूज आते ही मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ सकती है। सो कल अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो एक परफेक्ट स्टॉप लॉस और एक परफेक्ट टारगेट के साथ ट्रेड करते रहना, बिकॉज इस बड़ी वॉलेटिलिटी में अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे तो बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, और अगर आपने टारगेट मेंटेन नहीं करा तो जो प्रॉफिट आपको अभी शो कर रहा होगा वो बहुत जल्दी पूरा वैनिश हो सकता है। सो ट्राई कि जो टारगेट एक्सपेक्ट करा वो मीट करे, एग्जिट योर पोजीशंस एंड उसके बाद पीछे होके बैठ जाओ और मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करो। एक बार बहुत बढ़िया ट्रेड आपको फाइंड करना है जिसपे आप एक एंटर कर पाओ एंड उसको लेते ही आप निकलो विद अ वेरी गुड प्रॉफिट्स एंड उसके बाद पीछे होके बैठो और सिर्फ बजट को देखो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सो आई थिंक यही हम अभी चीज चेक कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी का चेक करने लगे तो बैंक निफ्टी का 24th आईवी जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट हो चुका है 96 का। सो आई थिंक वॉलिटिलिटी डेफिनेटली बढ़ रही है, पुट कॉल रेशियो स्टेबल है, तो यस बियरिश टू साइडवेज है, बट अगर कल गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम ऑन बैंक निफ्टी, बिकॉज फाइनेंशियल सेक्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरी चीज, मना क्यों कर रहा हूं मैं आपको निफ्टी को ट्रेड करने से, दो तीन रीजंस तो बता दिए, चौथा रीजन ये है कि कल से आना स्टार्ट होंगे ऑटो के जनवरी के ग्रोथ की रिजल्ट्स की, किस तरीके से उनका वो परफॉर्मेंस रही है। सो वहां पर भी अगर कुछ बैड न्यूज आती है तो भी आई निफ्टी को सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा रादर देन बैंक निफ्टी, तो आई थिंक वी हैव टू फोकस ऑल आर अटेंशन इन बैंक निफ्टी, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई होगी बट आप लोगों को पता चल गया कि वी हैव टू बाय रेदर ना कॉल ऑप्शन और अ पुट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आर चार्ट सेटअप और अ ट्रेड सेटअप, बट हमें सेल की तरफ नहीं जाना बिकॉज वॉलिटिलिटी ज्यादा बढ़ी हुई है एंड उसके बेसिस पे अगर हम लोग शॉर्ट की पोजिशन लेंगे तो हमें ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू बाइंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल सुबह 8:30 बजे या फिर कल दोपहर को 12 बजे के आसपास मैं लाइव आऊँ यूट्यूब पे एंड आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या हो रहा है, कैसे ट्रेड लेना है, या अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो मैं तुरंत आपको टेलीग्राम पर रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। सो गाइज, हैव अ वेरी गुड डे गाइज। आपको पसंद है ये वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि कल बजट पे कैसे ट्रेड करना है एंड आई होप आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर कल बन के निकले। बाय बाय गाइज।